आमिर वतीन साहब, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जहाँ खड़ा वो तो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, लेकिन आज ये जो इख्तलाफी नोट सामने आया है, फिर हम जो सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, तो बुनियादी सवाल ये है कि अदालत कहाँ खड़ी है? अदालत से पहले तो ये है कि यहाँ जो सियासत है वो अब सियासत नहीं, वो जंग हो गई है। ये सीधी सीधी जंग है। जिस किस्म के बयान आ रहे हैं, पहले वो चोर डाकू से सिलसिला शुरू हुआ, तो अब तो सीधी सीधी कत्ल की धमकियाँ, कत्ल के इल्ज़ाम, मारने के, एक दूसरे को ख़त्म करने के, और जो जान छोड़े हम भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, तख्त या तख्ता, ये बहुत तलखी बहुत ज़्यादा आ गई है। और मुझे डर लगता है कि ये अदालत का जो भी फैसला आएगा, ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली। मैं मालिक साहब से पहले इख्तलाफ करता रहा हूँ कि जो इनका ये कहना था कि कम वॉट एवर में जो भी हो, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, ये अदारे, ये किसी सूरत में भी जो भी अदालत इनके अगर दोबारा अपना फैसला कर देती है, कंटेम्प्ट करती है, और वो कह देती है जी 30 अप्रैल को होंगे, तो भी ये मानने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कुछ से अब आप जो मर्जी करें। पहली बात। दूसरा, ये मैं इख्तलाफी नोट का ऊपर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल उस वक्त आई जबकि ये फैसला होने वाला है। बाकी इसके अंदर जो दो तीन चीज़ें अहम हैं, वो एक बेंच के ऊपर जो तनकीद का मसला है कि जो चीफ जस्टिस के पास ये जो इख्तियार रहता है कि बेंच की फिक्सेशन का और केस की फिक्सेशन का, ये बड़े सालों से बड़ी बहस है। और मेरे जैसे भी वैसे लोग हैं, मैं उस ग्रुप में शामिल हूँ जो ये कहते हैं कि ये वाकई एक शख्स के पास इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए, मगर ये जब तक ये कानून में है तो तब तक तो ये वो इख्तियार इस्तेमाल करते रहेंगे। और जब उम्मीद है कि जब कोई फ्यूचर में चीफ जस्टिस साहब कोई ऐसे आएंगे जो अपने इस इख्तियार को कम करना चाहेंगे, तो फिर देखेंगे कि वो, पर नॉर्मली होता ही है कि जो ही आप अपने ताकत में आते हैं, कोई भी अपनी जुरिस्डिक्शन को कम नहीं करना चाहता, टर्फ को। दूसरा ये है कि एक थोड़ा सा आज मुख्तलिफ टॉक शोज़ में एक थोड़ी सी गलत तशरीह की जा रही थी, क्योंकि ये PDM ने, नून लीग ने ख़ास तौर पर कहा था कि जनाब ये फैसला जो है ना ये 3-4 का हुआ है, तो आज भी ये बात की जा रही थी कि जनाब ये 4-3 का फैसला हुआ है कि 4 लोगों ने इसके साथ इख्तलाफ़ किया। 4 लोगों ने जो इख्तलाफ़ किया वो मेंटेनेबिलिटी पे किया कि जनाब ये मेंटेन नहीं किया जा सकता था, ये जिस तरीके से आपने जिन दो जजेस की वजह से लाया गया, कोई और केस था उसमें ये लेके आए, तो उस पर किया था। ये 90 दिन के ऊपर किसी 5 जजेस ने, जिन्होंने ये फैसला दिया था, उनका ये इख्तियार, उन्होंने किसी ने भी इख्तलाफ़ नहीं दिया था। अब वैसे मेरी अपनी ये थी कि शायद, हालांकि उसी शायद बेंच के पास जाना होता है कि फुल कोर्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है, मगर अभी मुझे लगता है कि ये फैसला जब आएगा, और ये अभी तक मुझे कोई सिवाय गवर्नमेंट के अपने जो लॉयर्स हैं और उनके वज़ीर कानून हैं या मुआवन खसूसी हैं इरफान कादर जैसे, उनके अलावा मुझे कोई PDM के बंदों के अलावा कोई मुतबर वकील मिला नहीं है जिसने ये कहा होगा कि ये 90 दिन वाला जो है ना मामला आगे जा सकता है। एतराज़ साहब ने तो बहुत ही सकूसा किया था जब ये 3-4 वाली बात की थी, उन्होंने कहा जी मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि इस तरह भी जज इस तरह की ये भी तशरीह कर सकते हैं। तो असल ख़तरनाक बात यह है कि जब ये फैसला, अगर जज अदालत जो है वो अपने उसी पिछले फैसले के मुताबिक चलती है कि जनाब ये 90 दिन में 30 अप्रैल में जो उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंशन कर दी उसके मुताबिक की जाए, उसके बावजूद जो कि नज़र आ रहा है, मेरी आज दो कि यहाँ पर मैं लाहौर में आया हूँ, नून लीग के लोगों से बात हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो मुझे तो साफ नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल जो ये मालिक साहब फरमाते रहे हैं कि वो कहते हैं कुछ भी हो जाए जो है ना, हमने ये जो पहले बहाने हैं वो ही चलेंगे कि दल इलेक्शन नहीं मानने, और अदालत के ऊपर इतना ये बड़ा इम्तिहान हो गया है कि बकौल एतराज़ हसन ये मुनीर मोमेंट बनेगा
या इफ्तिखार मोमेंट बनेगा। बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ज़रूर ज़रा कंट्रोवर्शियल हो गए थे, बट फॉर अ टाइम जब उन्होंने स्टैंड ले लिया था मुशर्रफ साहब के आगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जुडिशरी में बड़ा मोमेंट था। क्या कह रहे हैं, कोई वुकला मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है? नहीं, वो उस वक्त वुकला मूवमेंट, वुकला भी उतने ही डिवाइडेड हैं एक्चुअली। पाकिस्तान बार कौंसिल ज़ाहिर है वो उनका टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ है, बाकी कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट की बार, इस्लामाबाद की बार, लाहौर की बार, उनका पीटीआई की तरफ है, तो वहाँ भी मुनकसम तकसीम हर जगह नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स में तो है ही है, आपके जो है मीडिया के अंदर भी है, उसके बाद आपकी अदालतों के अंदर भी वो नज़र आ रही है, वकीलों के भी अंदर नज़र आ रही है। और मगर ये मैंने कहा ना, एक तो तकसीम इख्तलाफी तकसीम होती है कि जी आप किसी एक दूसरे भी, अब ये जंग हो गई है और ये अगर डिफाई किया जाता है, ये जो बगावत के शोले किए जा रहे हैं कि जी कम वट में हमने ये नहीं माना, हमने के अदालत कहती भी है, फिर ये देखना होगा अदालत क्या करेगी। लेट्स से कि आगे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है जी नहीं हम करते, तो क्या करेगी अदालत, के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं चाहूँगा इस पर मोहम्मद मालिक साहब मुझसे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, ये इनका व्यू अगर ले लिया जाए। जी मालिक साहब, ये अब होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेक्निकल जो पहलू हैं वो तो अपनी जगह हैं, आइनी और कानूनी निकात हम जानेंगे आइनी माहरीन से, लेकिन ये सियासी पिक्चर कैसे अनफोल्ड हो रही है अगले दो चार महीनों में? नहीं, पहले ज़रा इसकी लीगल को भी दो तीन चीज़ें देख लें। देखें, पहले तो बात है क्या नहीं हुआ आज। हमारा ख्याल था आज थंडर एंड रेन और सब कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। पहली बात है, आज की बड़ी गार्डेड कॉमेंट्स थे चीफ जस्टिस साहब के, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि देखें ज़मीनी हकायक देखने हैं, हमें हवा में तो फैसले नहीं करने, और तमाम फ्री कैन का आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी ज़रूरी है एंड ऑल दैट। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी कि इलेक्शन कमीशन ने, और ये मैं अपने प्रोग्राम्स में आर्ग्यू कर रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे बड़ी तंकीद की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डेट नहीं दी, और ये मेरा आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने इलेक्शन स्केड्यूल में तब्दीली की। इतनी जल्दी क्यों की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, और अक्टूबर क्यों डाला वो और बात है। लेकिन आज जैसे आमिर ने पॉइंट आउट किया, देखें ये आज जस्टिस मंसूर का फैसला जो उन्होंने ऑथर किया है ऑन हिज एंड जस्टिस बंदुखेल के बिहाफ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। उन्होंने तीन चीज़ें, जब आप फैसला देखते हैं 27-28 पेजेस का फैसला है, तो एक बड़ा अच्छा खासा पोर्शन उन्होंने सिर्फ बेंच की 184(3) के ऊपर उन्होंने क्या कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और किस तरह दरगुजर करना चाहिए। उन्होंने इलाही केस दिया, उसमें बेनज़ीर केस दिया, काफ़ी केस लॉ उन्होंने साइट किया। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये 3-2 की जो बहस थी, आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि ये 3-2 का नहीं 4-3 का फैसला था, और उन्होंने आर्ग्यू किया। और देखिए आज पे पूरा जो उनकी तोपों का रुख था वो ज़ात पे आ गया चीफ जस्टिस की। उन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि पहले दो जजेस की बेसिस पे जब कोर्ट का इन्होंने फैसला किया 184(3) का, वो गलत फैसला था, वो नहीं बनता था। फिर इन्होंने दो जजेस को जब हटाया, आपको याद होगा जब पहले एतराज़ हुए 9 मेंबर बेंच बना, उसमें 3 पार्टीज़ ने पिटिशन किया कि जी जस्टिस एजाज़ुल हसन को और जस्टिस नकवी को हटाया जाए। फिर चीफ जस्टिस ने एक मीटिंग कॉल की अपने सुप्रीम कोर्ट में, उस मीटिंग में उन दो जजेस ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने और जस्टिस नकवी बाकी नकवी साहब ने। उसके बाद ये रह गए पीछे 7 में से 2 जजेस ने शुरू में अपना माइंड दे दिया, जस्टिस हतर मनिल्ला ने और जस्टिस याया आफरीदी ने। आपको याद है शुरू में इख्तलाफी नोट आए जी, उस याया आफरीदी साहब ने लिखा कि आई लीव इट टू द चीफ जस्टिस के शुड आई कीप सिटिंग और नॉट, अतर मनिल्ला साहब ने नहीं लिखा। जज साहब ने फिर 5 मेंबर बेंच बना दिया और इन 2 को भी एक्सक्लूड कर दिया। आज फैसले में जस्टिस मसूर ने यह कहा है कि वो 2 जजेस ने अपना माइंड दे दिया था, उनका फैसला बाइंडिंग है और वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप बेंच बना देते हैं शो कॉज लिस्ट आ जाती है और हेयरिंग शुरू हो जाए, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जज से निकल जाता है सीजे के, अब ये जुडिशियल साइड पे आ जाता है।